माय डियर स्टूडेंट्स एंड डियर पेरेंट्स, आज मैं आप लोगों को नेशनल स्कॉलरशिप के बारे में कुछ अपडेट देने जा रहा हूँ। यह अपडेट नेशनल स्कॉलरशिप के कई स्कीम के लिए है। इसमें कई स्कीम का डेट और उसके वेरिफिकेशन का डेट चेंज हुआ है, तो आप लोग ध्यान से इस मेरे वीडियो को देखिए और समझिए। यदि आप इसमें अप्लाई करने लायक हैं तो इसमें अप्लाई करिए। यदि आपने अप्लाई कर दिया है तो आपका डिस्ट्रिक्स या स्कूल से वेरीफाई हुआ कि नहीं, इसके बारे में आप लोग पता कर लीजिए। सबसे पहले मैं माइनॉरिटी की स्कॉलरशिप के बारे में बता रहा हूँ। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के द्वारा स्कॉलरशिप जो है वो 4 स्कॉलरशिप है। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर माइनॉरिटी, जिसका फॉर्म फिल का डेट ख़त्म हो चुका है और इंस्टीट्यूट के वेरिफिकेशन का डेट भी ख़त्म हो गया है। डिस्ट्रिक्ट वेरिफिकेशन का डेट जो है वह 10 जनवरी तक है। यदि किसी ने अपना फॉर्म डिस्ट्रिक्ट लेवल पर नहीं जमा किया है तो जमा करके उसको वेरीफाई करा ले। इसके बाद दूसरी स्कॉलरशिप है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर माइनॉरिटी, इसका भी फॉर्म फिल का डेट ख़त्म हो चुका है, लेकिन इसमें डिफेक्टिव और इंस्टीट्यूट का डेट अभी है। इंस्टीट्यूट से वेरिफिकेशन का डेट है वह 31 दिसंबर तक है। इसके बाद जिले से वेरीफाई करने का डेट 10 जनवरी तक है। इसके बाद मेरिट कम मीन स्कॉलरशिप फॉर प्रोफेशनल एंड टेक्निकल कम्युनिटीज़ के लिए है, इसका फॉर्म फिल करने का डेट ख़त्म हो चुका है। इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन का डेट 31 तारीख तक है और डिस्ट्रिक्ट से वेरिफिकेशन का डेट 10 जनवरी तक है। इसमें अगली स्कॉलरशिप है बेगम हजरत महल स्कॉलरशिप, जिसका फॉर्म फिल का डेट, डिस्ट्रिक्ट से वेरिफिकेशन का डेट, इंस्टीट्यूट से वेरिफिकेशन का डेट सभी क्लोज हो चुके हैं। इसमें अब किसी प्रकार की बदलाव या किसी प्रकार का वेरिफिकेशन नहीं हो सकता है। तो ये है माइनॉरिटी की स्कॉलरशिप। दूसरी स्कॉलरशिप है डिसेबिलिटी की स्कॉलरशिप, जिसमें कई तरह की स्कॉलरशिप है, जैसे प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर डिसेबिलिटी, इसके फॉर्म फिल का डेट ख़त्म हो चुका है, लेकिन इंस्टीट्यूट से वेरिफिकेशन का डेट अभी 31 दिसंबर तक है और डिस्ट्रिक्ट से वेरिफिकेशन का डेट 10 जनवरी तक है। यदि कोई फॉर्म वेरीफाई नहीं हुआ है तो कृपया उस फॉर्म को वेरीफाई करा लें, अभी इसका डेट है। दूसरी स्कॉलरशिप पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर डिसेबिलिटी, इसका फॉर्म फिल करने का डेट अभी 31/12 तक है और यदि 31/12 तक का फॉर्म फिल कर रहे हैं तो इंस्टीट्यूट से वेरिफिकेशन का डेट 15 जनवरी तक है और ज़िले से वेरिफिकेशन का डेट 31 जनवरी तक है। इसके बाद टॉप स्कॉलरशिप फॉर टॉप क्लास फॉर डिसेबिलिटी है, उसका डेट अभी 31 दिसंबर तक है। इसका अभी इंस्टीट्यूट से वेरिफिकेशन का डेट 15 तारीख तक है, 15 जनवरी तक, और डिस्ट्रिक्ट से वेरिफिकेशन का डेट 31 जनवरी तक है। एक अलग मिनिस्ट्री द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा एक स्कॉलरशिप है जो टॉप क्लास एजुकेशन स्कीम फ्रॉम एससी स्टूडेंट, वनली एससी स्टूडेंट के लिए है। इसका अभी फॉर्म फिल करने का डेट 31 दिसंबर तक है और इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन 15 जनवरी तक है। और अगर आप इस फॉर्म को फिल करते हैं तो 31 जनवरी 2023 तक डिस्ट्रिक्ट से या स्टेट से या मिनिस्ट्री के द्वारा यह स्कॉलरशिप वेरीफाई होती है। मैं ये बता दूं कि कुछ ऐसी भी स्कॉलरशिप हैं जो डिस्ट्रिक्ट से वेरीफाई नहीं होती है। मेनली दो या तीन स्कॉलरशिप डिस्ट्रिक्ट से वेरीफाई होती है, जैसे प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, यानी माइनॉरिटी की जितनी स्कॉलरशिप है वह डिस्ट्रिक्ट लेवल से वेरीफाई होगी। इसके बाद ये
NMMS स्कॉलरशिप ये डिस्ट्रिक्ट से होगी, लेकिन इसके अलावा और बहुत सारे स्कॉलरशिप है वो डिस्ट्रिक्ट से नहीं होता है, वो डायरेक्ट या तो स्टेट लेवल से होगा या तो मिनिस्ट्री के द्वारा ही वेरीफाई की जाती है। ठीक है, अब चलते हैं अगले स्कॉलरशिप के तरफ जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के द्वारा संचालित की जाए एम्प्लॉयमेंट के द्वारा संचालित की जाती है, जिसमें फाइनेंशियल असिस्टेंट फॉर एजुकेशन ऑफ द वार्ड ऑफ बीडी वर्कर सीने एलएसडीएम वर्कर पोस्ट मैट्रिक। यह पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप बची हुई है, यह 31/12 तक अप्लाई की जा सकती है, 15 जनवरी तक इसका इंस्टीट्यूट से वेरिफिकेशन का डेट है और 31 दिसंबर तक इसका डिस्ट्रिक्ट से वेरिफिकेशन का डेट है। तो यह स्कॉलरशिप यदि कोई फिल नहीं किया है तो फिल कर सकता है, इसमें स्टेट लेवल पर ही वेरीफाई होगा और या मिनिस्ट्री लेवल पर, इसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल पर वेरिफिकेशन नहीं होगा। इंस्टीट्यूट से वेरिफिकेशन होने के बाद सीधे डिस्ट्रिक्ट या मिनिस्ट्री लेवल पर वेरीफाई होगी। इसके बाद इसी स्कॉलरशिप में प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप है, जिसके सभी डेट ख़त्म हो चुके हैं, फॉर्म फिल करने का, इंस्टीट्यूट से वेरिफिकेशन का और डिस्ट्रिक्ट या स्टेट या किसी भी मिनिस्ट्री के जो सॉरी से संबंधित मिनिस्ट्री से वेरिफिकेशन का डेट इसका समाप्त हो चुका है, इस स्कॉलरशिप को कोई फिल नहीं कर सकता है। अगली स्कॉलरशिप है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, यानी ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री के द्वारा एक स्कॉलरशिप चलाई जा रही है, नेशनल फेलोशिप एंड स्कॉलरशिप फॉर हायर एजुकेशन ऑफ एसटी स्टूडेंट्स। एसटी स्टूडेंट के लिए स्कॉलरशिप है जो 31/12/2022 तक अप्लाई की जा सकती है, इसका इंस्टीट्यूट से वेरिफिकेशन 15 जनवरी तक है और मिनिस्ट्री के द्वारा इसका वेरिफिकेशन 31 जनवरी 2023 तक है। यह स्कॉलरशिप डिस्ट्रिक्ट लेवल से वेरीफाई नहीं होगी, ये सीधे मिनिस्ट्री या स्टेट लेवल से वेरीफाई होगी। इसके बाद अगली स्कॉलरशिप है डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी के द्वारा चलाई जाती है, नेशनल मीन कम मेरिट स्कॉलरशिप। इस स्कॉलरशिप को भरने का फॉर्म फिल करने का डेट ख़त्म हो चुका है, इसका इंस्टीट्यूट से वेरिफिकेशन का डेट 31/12/2022 है और डिस्ट्रिक्ट से वेरिफिकेशन का डेट 10 जनवरी 2023 है। अभी तक जिन लोगों का जो है स्कॉलरशिप अगर किसी भी लेवल पर अगर वेरीफाई नहीं हुआ है इंस्टीट्यूट लेवल पर या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, तो कृपया वो अपने विद्यालय से संपर्क करके उसको जल्दी से जल्दी वेरीफाई करा लें। ठीक है, इसके बाद एक अन्य स्कॉलरशिप है डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन के द्वारा संचालित की जाने वाली स्कॉलरशिप, जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम फॉर स्कॉलरशिप फॉर कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, जो कॉलेज पास करके यूनिवर्सिटी में या इंटरमीडिएट कॉलेज के बाद यूनिवर्सिटी या किसी डिग्री कॉलेज या पीजी कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं बच्चे, यदि वह 80% तक नंबर पाए हैं तो वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसका डेट अभी 31 दिसंबर तक है और इंस्टीट्यूट से वेरिफिकेशन का डेट 15 जनवरी तक है। यह स्कॉलरशिप डिस्ट्रिक्ट से वेरीफाई नहीं होगी, सीधे मिनिस्ट्री या स्टेट लेवल से वेरीफाई होगी। अगली वेरीफाई है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स WARB के द्वारा, ये स्कॉलरशिप है प्राइम मिनिस्टर स्कॉलरशिप स्कीम ऑफ सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स एंड आसाम राइफल। इस स्कॉलरशिप का अभी डेट है 31 दिसंबर तक फॉर्म फिल करने का डेट है और यह जो है इंस्टीट्यूट से वेरिफिकेशन का डेट 15 जनवरी तक 2023 तक है। इसके बाद यह मिनिस्ट्री के द्वारा 31 जनवरी 2023 तक वेरीफाई की जाएगी। इसी के द्वारा एक और स्कॉलरशिप प्राइम मिनिस्टर स्कॉलरशिप स्कीम फॉर वार्ड ऑफ स्टेट या यूनिटरी टेरिटरी पुलिस प्रोफेशनल मेरेटाइल ड्यूरिंग टेरर और नक्सलाइट अटैक या उसमें पुलिस के द्वारा या किसी तरह का प्रोफेशनल पुलिस के द्वारा मरे हुए के वार्ड को
जो स्कॉलरशिप फिल करना है। ऐसे ये बच्चे जो के जिनके माता पिता पुलिस में हैं थे और या नक्सलाइट किसी भी अटैक में मारे जा चुके हैं, वे इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इस फॉर्म को फिल करने का डेट 31/12/2022 तक है और या इंस्टीट्यूट से वेरीफाई होने का डेट 15 जनवरी 2023 तक है। इसके बाद या मिनिस्ट्री से वेरीफाई होगी। अगली स्कॉलरशिप मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा है। आरपीएसएफ इसके द्वारा एक स्कॉलरशिप बनाई गई है। प्राइम मिनिस्टर स्कॉलरशिप स्कीम फॉर वार्ड ऑफ स्टूडेंट पुलिस प्रोफेशनल मेरिटाइल ड्यूरिंग टेरर या नक्सल अटैक, यानी रेलवे के कर्मचारी यदि किसी भी नक्सल अटैक या किसी भी टेरर में अगर उनकी जान जा रही है तो उनके वार्ड या फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसका डेट अभी 31/12/2022 तक है और विद्यालय या इंस्टीट्यूट से वेरिफिकेशन का डेट 15 जनवरी तक है। इसके बाद सीधे मिनिस्ट्री के द्वारा यह स्कॉलरशिप वेरीफाई की जाएगी। अगली स्कॉलरशिप नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल, यह स्कॉलरशिप फाइनेंशियल सपोर्ट टू द स्टूडेंट फॉर NER नॉर्थ ईस्ट काउंसिल फॉर हायर प्रोफेशनल कोर्सेज, जो नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट हैं और जो हायर प्रोफेशनल एजुकेशन में अपना पढ़ाई कर रहे हैं वो इस फॉर्म को 31/12/2022 तक फिल कर सकते हैं और इसका इंस्टीट्यूट से वेरिफिकेशन 15/1/2023 तक होगा। इसके बाद 31/1/2023 तक मिनिस्ट्री के द्वारा यह स्कॉलरशिप वेरीफाई की जाएगी। ठीक है, तो इसमें मैंने आपको कई प्रकार की स्कॉलरशिप के बारे में बताया। इसमें मेरे वीडियो बनाने का ये उद्देश्य है कि जो लोग स्कॉलरशिप अपना फिल कर दिए हैं उनका डिस्ट्रिक्ट या इंस्टीट्यूट लेवल से वेरिफिकेशन आवश्यक है। यदि कोई फॉर्म ऐसा भी है जो नहीं फिल किया है तो अभी टाइम है, आप उस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यदि आप उस क्राइटेरिया में आते हैं तो उस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसके बाद उसका वेरिफिकेशन होगा और इसके बाद स्टेट लेवल या मिनिस्ट्री लेवल पर वेरिफिकेशन होगा। अभी तक दो ऐसी स्कॉलरशिप हैं जो डिस्ट्रिक्ट लेवल से वेरीफाई की जाती हैं, जैसे माइनॉरिटी की स्कॉलरशिप और NMMS, या दो स्कॉलरशिप डिस्ट्रिक्ट लेवल से वेरीफाई होती हैं। नहीं तो और स्कॉलरशिप और जितनी स्कॉलरशिप हैं वो केवल यदि इंस्टीट्यूट वेरीफाई कर देगा तो वह वेरीफाई अपने आप स्टेट लेवल या मिनिस्ट्री के द्वारा हो जाएगी। तो आज के वीडियो में मैंने इतना आपको बताया, यह सूचना आपके लिए आवश्यक है। इस सूचना को आप लोग ध्यान से देखिए और अगर आपको लिए आपको इस फॉर्म को फिल करना है या इससे संबंधित है तो आप इसको ज़रूर करिए। थैंक यू।